सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमिक प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत हम करेंगे पंचदशा पाठ। कौन सा है? भारतीय संस्कृति, यानी हमारी संस्कृति। अति वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण है। विश्व से प्राचीन तमासु संस्कृतेषु अस्याः गणना भवति। संसार की प्राचीन संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। वैदिक कालात अद्य पर्यंतम नाना रूपेषु प्रवर्तना प्रवर्तमानां संस्कृतिर्यं स्वकीयैः अद्भुतैः गुणैरेव निखिले विश्वे लब्ध प्रतिष्ठता सम्मता च। वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक रूपों में परिवर्तित होती हुई यह संस्कृति पूरे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करती है। वस्तुतः अनयैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिले संसारे वर्तते। वास्तव में इसकी जो प्रतिष्ठा है वो पूरे संसार में है। यथोक्तम, ठीक ही कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृति स्थता, संस्कृतम और संस्कृति। वैदिक काले आदि जन ही प्रवर्तिता इयम कालांतरम अनेकैः समुदायैः संप्रदायैः धर्मावलंबिश्च परिवर्धिता। क्या कहते हैं कि वैदिक काल में आर्य लोगों के द्वारा, वैदिक काल में आर्य जने, वैदिक काल में आर्य लोगों के द्वारा प्रवर्तित यह कालांतर यानी बहुत समय में अनेक समुदाय संप्रदाय और अनेक धर्म को मानने वाले लोगों में इसमें लोगों में वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। आधुनिक काले अस्माकं देशे नाना मत मनांतर अनुयायिनः विविध वेशभूषा भाषा आचार विचारवंत जना निवसंती। वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक मतों को मानने वाले अनेक विविध तरीके की वेशभूषा भाषा और आचार विचार वाले लोग रहते हैं। अत्र हिंदवा मुस्लिमा सिक्का पारसिका जैना बौद्धा क्राइस्टा च परस्परम मिलित्वा सहयोगे तथैव वसन्ति यथा एकस्मिन्नैव उद्याने नाना रूप गंध जाति गुणवन्ति पुष्पाणि भवन्ति। अत्र हिंदवा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और ईसाई आपस में सहयोग के साथ मिलकर वहीं रहते हैं और यथा एकस्मिन्नैव उद्याने एक ही बगीचे में विभिन्न रूपों की जिस प्रकार से, यथा यानी जिस प्रकार से एक ही उद्यान में एक ही बगीचे में विभिन्न सुगंधों वाले जाति वाले और गुणों वाले फूल रहते हैं। एभि सर्वैरैव यथोद्यानस्य सौंदर्यं वर्धते तथैव विविधैः धर्मैः जातभिः संप्रदायैश्च देशस्य संस्कृतवाटिका अपि समृद्धा भवति। जैसे एक बगीचे में विविध आकार गंध जाति और गुणों वाले फूल होते हैं, जिस प्रकार इन सभी से बगीचे की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अनेकों धर्म जाति और संप्रदाय के लोग इस देश की संस्कृति रूपी वाटिका को भी समृद्ध करते हैं। अनेक तत्वे एकत्व अस्या अनुपम उदाहरणम प्रस्तुतवती संस्कृति एवं विश्व जनान आश्चर्यचकितं करोति। अनेकता में एकता का, अनेक एकत्वे, अनेकता में एकता का ये जो अनुपम उदाहरण है वह प्रस्तुत करती हुई यह भारतीय संस्कृति संसार के लोगों को आश्चर्यजनक करती है। अत्र सर्वेषाम् अपि धर्माणां पूजा पद्धतयः भिन्नाः सन्ति। यहाँ सभी लोगों के धर्म की पूजा करने की पद्धति यानी तरीका अलग है। हिंदवा श्रुतुषु स्मृतेषु च विश्वसन्ति। हिंदू लोग जो हैं वो शास्त्र और स्मृतियों को सुनने में विश्वास रखते हैं।
मंदिर में जाकर ईश्वर की आराधना करते हैं। मुस्लिमा कुरान ग्रंथम अनुसृत्य मस्जिदेशु अल्लाहम गायन्ति। मुस्लिम कुरान जैसे ग्रंथ का अनुसरण करके मस्जिद में जाकर अल्लाह को पुकारते हैं। सिखा गुरुद्वारेशु गुरु ग्रंथम गुरु च पूजयन्ति। और सिख लोग गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और गुरु की पूजा करते हैं। क्राइस्टा बाइबलम ग्रंथम अनुसरन्ति चर्चेषु प्रभुम ईशु अर्चयन्ति। और ईसाई लोग बाइबल जैसे ग्रंथ का अनुसरण करके चर्च में जाकर प्रभु ईशु की आराधना करते हैं। एवं एव जैना जैन मंदिरेषु चतुर्विंशति तीर्थंकरान स्तुवन्ति। इसी क्रम में जैन लोग जैन मंदिर में 24 विद्वान तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। बौद्ध मठेषु विहारेषु वा भगवन्तं बुद्धं ध्यायन्ति। और बौद्ध लोग मठों में घूमते हुए भगवान बुद्ध को स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। पारसिका अपि निज धर्म स्थलेषु प्रभु जरूरस्थोस्त्रम स्मरन्ति पूजयन्ति च। और पारसी लोग भी अपने धर्म के प्रभु जरूरस्थोस्त्रम को स्मरण करते हुए उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली नगरे बहाई धर्मावलंबिनानां कमल मंदिरम अपि तेषां उपासना विधिम दर्शयति। दिल्ली नगर के बहाई मंदिर के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कमल मंदिर में भी तेषां उपासना विधिम दर्शयति, उनकी पूजा की विधि को दिखाते हैं। तत्र भक्ताय कस्मिन् सभागारे शांत्या तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। वहां भक्त लोग एक ही सभागार में शांति से बैठकर अपने अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषाम् अपि महापुरुषाणां समादरः समान रूपेण विधीयते। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों का सम्मान समान रूप से किया जाता है। वयं रामं कृष्णं चापि मानयामः। हम लोग राम और कृष्ण को भी मानते हैं। बुद्धं महावीरं नानकं मोहम्मदम ईशुम चापि। और बुद्ध को, महावीर को, नानक को, मोहम्मद को और ईशु को भी मानते हैं। वयम सर्वेषाम अपि उत्सवेषु समान उत्साहेन प्रमुदिता भवामा। हम लोग सभी के त्योहारों को समान भाव से और बड़े ही उत्साह के साथ प्रसन्न होकर मनाते हैं। एवं भारतीय संस्कृतौ विविधा नाम धर्माणाम समुत्तया महापुरुषाराम जीवन पद्धतया अनेका अनेके शाम ग्रंथानाम सुक्तया अनेका नीतया च समाविष्टा सन्ति। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों की मान्यताएं, महापुरुषों की जीवन पद्धतियां, अनेक ग्रंथों की सुक्तियां और अनेक नीतियां समाहित हैं। एतासाम सर्वासामपि पद्धतिता नाम सम्मिलितं स्वरूपम एव अधुना अस्माकं परिचिता शक्तिश्चिता वर्तते। इन सभी पद्धतियों का सम्मिलित स्वरूप ही अब हमारी पहचान और शक्ति है। शब्दार्थ करें बेटा, वैविध्यमय विविधता पूर्ण प्रवर्तमाना परिवर्तित होती हुई, लब्ध प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त, स्मृतिषु स्मृतियों या धर्म ग्रंथों में, परिवर्धिता वृद्धि गुणवंती गुणों वाली, प्रवर्तिता आरंभ की हुई, क्राइस्टा ईसाई स्तुवंती स्तुति करते हैं, मानयामा मानते हैं, सम्मतया मान्यताएं, परिचिता परिचय, ग्रंथम अनुसरन्ति ग्रंथ का अनुसरण करते हैं, मत मतांतर अनुयायिनः अनेक मतों का मानने वाले, अद्य यावत् आज तक, निखिले विश्वे संपूर्ण विश्व में, सम्मता स्वीकृत कालांतरे बाद में या बाद के समय में, विचारवंतः विचारों वाले, प्रस्तुतवती प्रस्तुत करती हुई, श्रुतिषु वेदों में, दर्शयति दिखाता है, प्रमुदिता प्रसन्न, समाविष्टा समाहित या सम्मिलित। प्रश्नोत्तर करें बेटा, अतीव वैविध्यमय का अतीव वैविध्यमय भारतीय संस्कृति। यस बेटा, प्रश्नोत्तर करें, भारतीय संस्कृतौ का समाविष्टा सन्ति।
भारतीय संस्कृतौ विविधानां धर्माणां सम्मतया महापुरुषाणां जीवन पद्धत्या अनेकाशां ग्रंथानां सुक्तया अनेका नीतया च समाविष्टाः सन्ति। कमल मंदिरम केशां उपासनां विधिं दर्शयति। कमल मंदिरम बहाई धर्मावलंबिनानां उपासनां विधिं दर्शयति। भारतीय संस्कृति कथम विश्वे लब्ध प्रतिष्ठा वर्तते। भारतीय संस्कृति ही वैदिक कालात् अद्य पर्यन्तं नाना रूपेषु प्रवर्तमानां स्वकीये अद्भुते गुणैरैव विश्वे लब्ध प्रतिष्ठिता। हिंदवा किं किं कुर्वन्ति, हिन्द्या श्रुतेषु स्मृतेषु च विश्व सन्ति, मंदिरेषु च ईश स्तुति कुर्वन्ति। अस्माकं देशे के निवसन्ति, अस्माकं देशे नाना मत मतांतर अनुयायिनः विविध वेशभूषा आचार विचारवन्तः जनाः निवसन्ति। अब रिक्त स्थान पूरे करें। हिंदवा श्रुतेषु स्मृतेषु च विश्व सन्ति, मंदिरेषु च ईश स्तुति कुर्वन्ति। अत सर्वेषाम् अपि धर्माणां पूजापदेशं भिन्नाः सन्ति, पूजा उपदेशं भिन्नाः सन्ति। वस्तुतः अन्येव भारतस्य प्रतिष्ठां अखिले विश्वे वर्तते। विश्वस्य प्राचीनतमेषु संस्कृतेषु अस्याः गणना भवति। हिन्दवः श्रुतेषु स्मृतेषु च विश्व सन्ति। सिक्खाः गुरुद्वारेषु गुरुग्रन्थान् गुरुं च पूजयन्ति। सही उत्तर पर निशान लगाना है। कमल मंदिरम प्रतीकभूतम वर्तते किसका, बहाई धर्मस्य। भारतीय संस्कृति अस्ति वैविध्यमयी, भारते अस्मिन् पूजा पद्धतयः भिन्नाः सन्ति। रेखांकित पदों में विभक्ति लिंग और वचन बताने हैं। इयम् संस्कृति विश्वजनान् आश्चर्यचकितं करोति। विश्वजनान् द्वितीय पुल्लिंग बहुवचन। भारतस्य प्रतिष्ठा निखिले विश्वे वर्तते सप्तमी पुल्लिंग एकवचन। यस, बौद्धा प्रथमा पुरुष बहुवचन, गुरुन द्वितीय पुल्लिंग बहुवचन, महापुरुषाणां षष्ठी पुल्लिंग बहुवचन, संस्कृतिषु सप्तमी स्त्रीलिंग बहुवचन। अब विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। निखिले विश्वे सर्वेषां महापुरुषाणां अद्भुतैः गुणैः अनेकै धर्मै विविधै समुदायै सर्वासाम समुदायै और विविधै पद्धतिना। ये हम नहीं करेंगे, इसको आप स्वतः करेंगे बेटा। अभी तक हमने हर पाठ में आपको संधि बताई है, अब ये संधि आप स्वतः करेंगे, ठीक है। क्रिया पदों को चुनकर लिखना है। इन शब्दों में भारतीय संस्कृतों महापुरुषाणाम जीवन पद्धति समाविष्टा सन्ति। भक्ता सभागारे शांत्या तिष्ठन्ति। इयम संस्कृति विश्वजनान आश्चर्यचकितं करोति। बौद्धा मठेषु भगवन्तं बुद्धं ध्यायन्ति। भारतस्य प्रतिष्ठा निखिले विश्वे वर्तते। अब ये शब्द रूप आप सारे याद करेंगे, मति श्रुति रति धृति कृति, और उसके बाद जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से आप उसको पूरा करेंगे। यस बेटा, संस्कृत में अनुवाद करें। विविध भाषा भाषी होते हुए भी यहाँ एकता के दर्शन होते हैं। विविधा भाषा भाषी अपि अत्र एकताम दर्शयन्ति। भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारतवर्षे सर्वे धर्मानुयायिया निवसन्ति। अपने अद्भुत गुणों से ही यह आज विश्व में प्रतिष्ठित है। स्वकीयै अद्भुतैः गुणैरैव निखिले विश्वे लब्ध प्रतिष्ठा। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतेषु अस्याः गणना भवति। भारतीय संस्कृति संसार के लोगों को आश्चर्यचकित करती है। भारतीय संस्कृति विश्वजनान् आश्चर्यचकितं कुर्वन्ति।
वाक्य निर्माण बेटा आप स्वतः करेंगे। इसके साथ ही आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।